ये ना होता ना तो सोनू सोनी आज ये चीज़ ना कर रहा होता, ब्लॉगिंग ना कर रहा होता, ठीक है। कितना जल्दी निकलता है वो दिखाने का, बस बात खत्म। पर एक बड़ा सरप्राइज आने वाला, ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो सब मस्त होंगे। तो गाइस, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठे हैं और उठते ही मतलब कि मेरे को पता नहीं आज भी परेशान करने लगा, और आज मैं इसको बाहर भी नहीं ले जा पाया क्योंकि थोड़ा सा सुबह में बारिश होने लगा था, तो अभी थोड़ा धूप हो गया, तो अभी 8 बज रहा है यार, तो कैसे ले जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है रोड पे, तो अच्छा नहीं लगता, फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको समझ रहे हो ना। तो शाम को या सुबह में ही अच्छा लगता है डॉग्स को घुमाना हम रोड पे, क्योंकि आजकल बिजी रोड हो गया, हर गली भी आजकल बिजी हो गया, सब उसमें भी सब 10-15 गाड़ी चलने लग रहा है आजकल, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसको बाहर नहीं ले गए, तो इसलिए हमको शायद लगता है बहुत परेशान कर रहा, तो इसीलिए हम इसको बांध के रख रहे हैं। इसको हम बांधते हैं सिक्कड़ से, मस्त बैठा हुआ चुपचाप, पर हमको अंदर ही अंदर गुस्सा होगा कि हमको बांधा क्यों, तो मुँह देख ही रहा है बात नहीं कर रहा हमसे क्या बच्चा, गुस्सा हमसे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, शाम को लेके चलेंगे ना बच्चा, शाम को लेके चलेंगे आराम से, है ना, खाना खिला के शाम को ले जाएंगे आराम से टहलाने, और क्या। तो अभी फिलहाल तो सुबह में मेरा कॉलेज मतलब नहीं है, मतलब एग्ज़ाम तो सुबह में है नहीं, आपको बताए थे पिछले ब्लॉग में, शाम को है मेरा 3 बजे से, ठीक है, 2 बजे, सॉरी हम इसे गलत ही टाइम बोलते हैं, 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। तो फिलहाल आज लास्ट है इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो देखते हैं कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। बोलते हैं लोग अंत भला तो सब भला, ठीक है, तो अंत को भला करना है हमको, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे आपका सीन बताते हैं, ठीक है, चलो। तो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, ये रहा फ्रूट ब्रेड है, और ये इसमें हम काके ना दूध में बोनवीटा कर दिए, और ये बिस्किट है कुछ, और ये ओट्स वाला बिस्किट है, कुकीज़ जो 2-3 बचा था, तो सोचे कि इसको भी फिनिश कर देते हैं। वो देखो क्या खाना है आपको भी, हैं? मुँह ताक रहा देख के। अच्छा लो, एक बिस्किट लो, लो 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 खा लो, लो भाई तुम भी क्या याद रखो कि हम नहीं दिए तुमको बिस्किट, जाओ खा लो। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद में नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद नहाएंगे, ठीक है, अभी नहीं नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो गाइज, हमारा नहाना धोना हो चुका है, और अब हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, खाना खा के फिर रेडी हो गया, अभी 12 बजने वाला, तो सोच रहे हैं कि 12:30 में यहाँ से निकल जाएँ आराम से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समझ रहे हो ना, पहुँचना भी है थोड़ा पहले, क्योंकि सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम है और लास्ट एग्ज़ाम है, हम लेट होना नहीं चाहते हैं, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम कितने मायने रखता है किसी की लाइफ में, कैसा भी एग्ज़ाम हो, पर हम उतना लोड नहीं लेते एग्ज़ाम का, आपको तो पता ही है कि हम क्या करते रहते क्या नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम है, आराम से एग्ज़ाम की तरह लेते, बात खत्म, और क्या। पर मौसम का आपका हाल दिखाते हैं, ये देखो मौसम, अरे अरे तो ब्लर हो गया, फोकस हो गया, हाँ फोकस हो गया, देख रहे हो मौसम, मौसम अभी देखो लग रहा है कि बारिश होगा, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तब भी देखते हैं, बारिश होगा तो कोई बात नहीं थोड़ा सा, इसलिए पहले निकल जाते हैं ताकि कम से कम कॉलेज तो पहुँच जाएंगे बारिश होने से पहले, ठीक है। थोड़ा जल्दी से खाना खाते हैं, रेडी होते हैं, इधर ही घूम रहे हैं, ठीक है, आप घूमिए। पता है मतलब कि हम जो है ना बहुत लकी हैं कि दिलावर मेरे पास है, पूछो कैसे है आप लोग, क्योंकि पता है आपको, क्योंकि ये मेरे लाइफ में नहीं होता ना, तो मेरा लाइफ झंड रहता, झंड समझते हो, तो 2400 घंटा ये मेरे पास लगा रहता है, मतलब अगर हम इसे बात भी ना करें, इसे हम खेले भी ना, तभी मेरे को परेशान करता रहता है, मतलब मेरे को कभी मतलब होता नहीं कि हाँ इंसान अकेले बैठा हो, कभी अकेले नहीं बैठने देता, कभी थक मतलब ढंग से काम भी नहीं करता, हाँ बस एडिटिंग करेंगे तब पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है कि हमको डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी हर टाइम सोते टाइम खाते टाइम मतलब हर टाइम मेरे को डिस्टर्ब करते रहता है, और अच्छा भी लगता है। वो अभी सुन रहा है, देख रहे हो इसके बारे में बात कर रहे हैं, सारा बात सुन रहा है, तारीफ़ करें बाबू तुम्हारा, आप तारीफ़ कर रहे हैं कि तुम कितना अच्छा हो, और मेरे लाइफ में आके मेरा लाइफ बदल दिया तुम, समझे, थैंक यू सो मच, समझे बुआ। अब ज़्यादा बोल देंगे तो इसका ज़्यादा ही एटीट्यूड आने लगेगा, ठीक है, सब समझता है मेरी बातें, तो हम ज़्यादा इसकी तारीफ करना नहीं चाहते, पर इतना जान लो कि ये ना होता ना तो सोनू सोनी आज ये चीज़ ना कर रहा होता, ब्लॉगिंग ना कर रहा होता, ठीक है, सारा इसी के बदौलत है, ठीक सारा। और एक और है जो आपको पता ही, हर रोज़ मेरे ब्लॉग में आते रहता है, एक मेरा दोस्त ज़्यादा बोल सकते हो या कम बोल सकते हो, भाई ज़्यादा बोल सकते हो कम बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो उसको, दोस्त है या मेरा भाई, आप लोगों को सबको पता ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, खाना खाते हैं, और फिर रेडी होकर जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं मस्त, ठीक है, तो फिलहाल निकलते हैं अब कॉलेज, और लास्ट एग्ज़ाम है, तो देखते हैं कैसा जाता है कैसा जाता, अच्छा ही जाएगा, ख़राब तो मेरा कुछ नहीं जाता, लिख के तो सब आते, पर मार्क्स ही थोड़ा कम आता है।
ठीक है, तो फिलहाल निकलते हैं जल्दी से, फटाक देना, रैपिडो वाला आने वाला है मेरा, तो जल्दी से जल्दी शूज़ पहनते निकलते हैं, और बाकी सब दोस्त भी वहाँ पहुँचने वाला, तो लेट नहीं होना चाहता, ठीक है चलो। तो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं और हमें रैपिडो वाला आके रोड वेट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कहाँ है वो। हाँ वो रहे सामने। तो गाइस उस वक्त हम मतलब कि जब कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज से बाहर निकले एग्ज़ाम देके, तो फ़ोन जब अपना ऑन किया देखे तो बैटरी ऑफ था, क्योंकि मैं हम चार्ज के ज़्यादा नहीं ले जा पाए थे, तो शायद बैटरी ऑफ हो गया होगा पॉकेट में रखे रखे, तो उस वक्त ब्लॉग उस वक्त कंटिन्यू नहीं कर पाया, जब कॉलेज से घर आया तो फिर खाना खाया जो भी था, जो भी सीन था हम कंटिन्यू नहीं कर पाया, थोड़ा सा उस चीज़ के लिए अफसोस है, पर कोई ना आगे भी है, और ठीक है और भी जो काम है दिनचर्या वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी जस्ट मतलब कि खाना वाना खा के जस्ट थोड़ा सा रेस्ट किए, बस थोड़ा सा रेस्ट किए, क्योंकि 5:30 में तो जस्ट घर ही आए, तो अभी जस्ट पीयूष आ रहा है तो जिम निकलते हैं, और आज जिम में मेरा बैक और बाइसेप्स है, ठीक है बैक बाइसेप्स जम के करना, ठीक है, क्योंकि भाई को थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं है, पर तब भी थोड़ा सा समझ रहा हूँ डोरा बनाना है, आप तो पता ही है भाई को थोड़ा बॉडी का शौक है आपके, तो बस यही बॉडी और यूट्यूब दो ही शौक पाले हैं, बस एक बॉडी बनाना एक यूट्यूब करना, ठीक है लाइफ में ये दो चीज़ हम करके रहेंगे, आप लोग बस सपोर्ट करो सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल निकलते हैं जिम के लिए, ठीक है पूरा पैक कर लिए हैं, ठीक है इसमें हम जस्ट टी शर्ट डाल लिया, ये देखो क्या कर रहा है ये देखो ओए, अरे बाप रे तो पूरा ख़त्म कर दिया ओए लड़का। अच्छा रुको एक मिनट, ब्लॉग बन के मैं पट्टे देना एक चट्टी, बताते हैं निकलते हैं जिम पहले, उसको बताने का टाइम फिर मेरा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है तो मिलते हैं आपके जिम में, ठीक है चलो। तो गाइस हम जिम से घर आ चुके हैं और देख रहे हैं कि बंधा हुआ है, बंधा क्यों है पता है आपको, ये बंधा क्यों है क्योंकि अपने करतूत से बंधा हुआ है, ये देखो आप लोग यहाँ पे एक बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है तो इसी को देख के साथ भोंक ओक रहा होगा, तो इसीलिए दीदी इसको बांध दी होगी, है ना बुआ तुम्हारा करतूत से तो बांधा, अरे कूदो नहीं कूदो नहीं हम, ठीक है आ रहा है आप लोग, तो थोड़ा सा इसको खोल देते हैं, चलो आ जाओ, क्या हुआ अरे बच्चा तुम ही तो एगो हो यार बुआ, अरे तुम ही तो एगो हो मेरा बच्चा यार, कि मेरे को इसलिए इतना चाट उठ रहा है ना कि जानता है कि हम अंडा देंगे इसको, अंडा खाने के लिए ना बुआ, अंडा खाएगा संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, इसको अंडा खरीदने के लिए, वो बॉयल अंडा सिर्फ इसी के लिए हम अपने लिए नहीं, क्योंकि वो अंडा जो रखा हुआ था ना अंडा कैरेट, तो वो ख़राब ना हो जाए, सामान चल रहा है तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, तो सोचे कि इसी के लिए कर देते हैं बॉयल कम से कम, तो हम बोले थे दीदी को कि बॉयल करके रख देने के लिए हम जब जिम से आएंगे तो इसको दे देंगे। हम मिनिस्टिंग पे क्या है, मेरा लिप रेड दिख ही रहा होगा, ये मेरा मुँह सूंघ रहा है, ये समझ गया कि हाँ कुछ ना कुछ, ठीक है ये देखो क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ खाना खा लेता है तो बाहर घुमाने ले जाते हैं, घूमने चले गए बाबू, घूमने चले गए बच्चा है, रुक जाओ ठीक है चलो खाना खा लो फिर घूमने, अरे बाप रे फंसा देगा, ये खाना खा लेता है तो फिर हम लोग घूमने इसको लेके चलते हैं बाहर, और घूमने के आने के बाद हम नहाएंगे, ठीक है अभी नहीं नहाएंगे, ठीक है बुआ चलो खाना खा लो पहले तुम। तो गाइस फिलहाल अब ये जो अंडा है ना, अब इसको फोड़ के तो खिलाएंगे, देखना कि कितना जल्दी खाता है, ठीक है हम बस आपको बताए वीडियो बनाने का मेरा क्या एक रीज़न है, कि ये अंडा को ये कितना जल्दी निकलता है वो दिखाने का, बस बात ख़त्म। अब देखो इसको फोड़ते हैं, ठीक रुको बेटा रुको पहले फोड़ने दो इसको, आराम से पहले फोड़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं कितना जल्दी एकदम पक्के देना निकल जाएगा, बस ऐसे करेगा ख़त्म कहानी। तो ये रहा मेरे हाथ में अंडा, ठीक है हम इसे छुड़ा लिए बढ़िया से, इसका जो भी ऊपर का था, अब देखो ये कितना जल्दी खाता, ठीक है अब देखना लेके भाग गया कोना में, ओए ले भाग गया, ख़त्म कहानी खा गया। देखिए आप ये अंडा का इतना शौकीन है कि इसको हम अगर 10-10 अंडा खिलाएं ना एक टाइम पे 10-10 अंडा खिलाएं, सब पक पक 10 सेकेंड लगेगा इसको, समझ रहे हो 10 सेकेंड लगेगा बस इस मोटू को खाने में, 10 सेकेंड 10 अंडा को, इतना शौकीन है बता नहीं सकते। अभी खाने देते हैं उसका नाम से, खा तो लिया अभी, एक और दो है वो भी खिलाते हैं बढ़िया से। तो गाइज़ अब काफ़ी रात हो चुका है और अब सोना भी है और ब्लॉग भी एडिट करना है, ये मस्त सो गए अंडा वंडा खाओ के मस्त, ठीक है तो फिलहाल अब हमारी बारी है सोने का, क्योंकि बहुत ज़ोर से मेरे को नींद भी आ रहा है, क्योंकि आज दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किए हैं और जिम भी गए हैं तो वर्कआउट भी बहुत जम के हुए हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय लव यू टेक केयर। और एक और बात, बहुत जल्दी मतलब बहुत कुछ ही दिनों में एक बड़ा सरप्राइज आने वाला, ठीक है मतलब मेरे आप समझ जाओ, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो गेस कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, पर एक बड़ा सरप्राइज आने वाला, ठीक है चलो बाय।